नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का यह टेस्ट संख्या 95 है और कुल 94 टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल चुकी है और यह टेस्ट संख्या 95 है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जुड़ जाएंगे तो यह PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग सबसे पहले तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में BEO टेस्ट सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी भी जो वीडियो हैं वह यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड पीसीएस, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा 22 मार्च को होने वाली है, इसलिए लगातार यह सीरीज दी जा रही है। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सम्मिलित है। तो देखिए, 2500 साल पहले क्या हुआ था, कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उसमें सम्मिलित है। तो देखिए, 2500 साल पहले हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, तो हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था 2500 साल पहले, मतलब भगवान बुद्ध और महावीर के काल में। उसके बाद धान की रोपाई, यह भी 2500 साल पहले से शुरू हो रही है। और फिर सिंचाई के उपाय, सिंचाई के कुछ उपाय, तो हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, धान की रोपाई और सिंचाई के उपाय, यह जो तीनों कदम उठाए गए हैं, यह तीनों कदम जो उठाए गए हैं, यह 2500 साल पहले कृषि के विकास के तहत ये तीनों कदम उठाए गए हैं। इसलिए 1, 2, 3 जो है तीनों सही है, मतलब 1, 2, 3 मतलब विकल्प डी जो है वो सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, क्योंकि समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग, धान की रोपाई तथा कुछ नए तरीके थे जो बहुत ही कारगर साबित हुए। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरों, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय भी उपयोग में लाए गए थे। तो यह सब जो कुछ था, यह 2500 साल पहले हुआ था, लोहे का प्रयोग हुआ था, लोहे का प्रयोग एक फाल बनाने में, हल्के फाल बनाने में, और धान की रोपाई और ये क्या था, सिंचाई के कुछ उपाय, यह सभी 2500 साल पहले हुए थे। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, इसको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, बड़े भूस्वामी जो होते थे उनको विल्लाल कहा जाता था, विल्लाल मतलब एक को फोर से सम्मिलित करना है। हलवाहे जो होते थे उन्हें उड़वार कहा जाता था। जो भूमिहीन मजदूर होते थे उन्हें कसैडियार कहा जाता था। और जो दास होते थे मतलब गुलाम जो होते थे उसे अधिमयी कहा जाता था। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं, यहाँ से सम्मिलित करेंगे तो निकल कर सामने आएगा। आइए व्याख्या इसका देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण और उत्तरी हिस्से के अधिकांश गाँवों में कम से कम तीन तरह के लोग होते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को विल्लाल कहा जाता था। विल्लाल लिखा है जैसे, नहीं विल्लाल है, विल्लाल तमिल में जो भूस्वामी होते थे उन्हें विल्लाल कहा जाता था। जो साधारण हलवाहे होते थे मतलब जो खेत जोता करते थे उन्हें उड़वार कहा जाता था। वहीं जो भूमिहीन मजदूर होते थे या जिनमें दास भी शामिल थे, तो भूमिहीन मजदूर जो होते थे केवल भूमिहीन मजदूर, वह कड़ैसियार होते थे। और जो दास होते थे उन्हें अधिमयी कहा जाता था। ये नाम संगम साहित्य में उल्लेखित है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यह सही है। 2500 साल पहले जो गांव का जो प्रधान होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। गाँव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसान को भूपति कहा जाता था, यह गलत है। 2 जो है गलत है। गाँव में जो स्वतंत्र और छोटे किसान होते थे उन्हें भूपति नहीं जबकि गृहपति कहा जाता था, भूपति नहीं गृहपति कहा जाता था। तो 1 और 2 में 1 सही है, 2 जो है गलत है। तो देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक जो है वो सही है, मतलब विकल्प ए जो है वो सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यह पद अनुवांशिक होता था। गाँव का जो प्रथम व्यक्ति होता था वह ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद जो होता था अनुवांशिक होता था, अनुवांशिक जो मतलब कि ग्राम भोजक का जो लड़का होगा वह भी ग्राम भोजक होगा। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। गृहपति जो अन्य छोटे छोटे व स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। इसके अतिरिक्त गांव में भूमिहीन व्यक्तियों में दास और कर्मकार होते थे,
दास और कर्मकार होते थे। ये दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो यह जो भी तथ्य बताया हूँ आप लोग को, इसे अच्छे से देख लें। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत से, तमिल से, तेलुगु से या कन्नड़ से? तो देखिए, संगम साहित्य जो संबंधित है वह तमिल से संबंधित है, तमिल से। विकल्प बी जो है वो सही है, संगम साहित्य तमिल से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखिएगा, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी, 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों को सम्मेलनों में इसका संकलन किया गया था। मदुरै में कवियों का सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका संकलन किया गया था, इसलिए इसे संगम ग्रंथ भी कहते हैं, संगम साहित्य भी कहते हैं। और संगम साहित्य जो है वह तमिल भाषा में है। 2300 साल पहले कवियों का सम्मेलन हुआ था मदुरै में। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, भरौच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, पहला देखिए, यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के तथा हाथी दांत का आयात होता था। देखिए, भरौच जो है बंदरगाह है उसके बारे में कह रहा है कि यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के तथा हाथी दांत का आयात होता था। मतलब यह सभी चीज़ें मंगवाई जाती थीं विदेशों से। तो यह बात देखिए, इसमें सभी का आयात तो होता था भरौच बंदरगाह से, लेकिन हाथी दांत का आयात नहीं होता था, हाथी दांत का निर्यात होता था भारत से, आयात नहीं होता था। तो यह इस हिसाब से तो विकल्प ए जो है विकल्प एक जो है वह गलत हो गया, क्योंकि हाथी दांत का निर्यात होता था, आयात नहीं होता था, जबकि बाकी जो होते थे वह आयात होते थे। तो इसलिए एक एक जो है वो गलत हो गया। 2 देखिएगा, हिमालय की जड़ी बूटियाँ कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यह बात सच है कि भारत से जो भरौच बंदरगाह होता था वहाँ से हिमालय की जड़ी बूटियाँ, सूती कपड़े, रेशमी तथा इत्र यहाँ से निर्यात होते थे। तो केवल 2 जो है वो सही है, बाकी गलत है, केवल 2। आइए तथ्य देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बैरी गाजा पत्तन का विवरण दिया गया है। बैरी गाजा कहिए या फिर भरौच बंदरगाह कहिए, इसका 2 नाम है। तो बैरी गाजा पत्तन का विवरण दिया गया है। बैरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है, बैरी गाजा जो है भरूच का यूनानी नाम है। यहाँ आयातित वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं है, हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था। तो अन्य सभी जानकारियाँ सही हैं। यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन लाते थे, गायक लाते थे, किशोर लाते थे, सुंदर औरतें लाते थे, अच्छी शराब या उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाते थे। तो यह सभी जो चीज़ें हैं वह राजा के लिए लाई जाती थी, मंगाई जाती थी। प्रश्न 6 देखिएगा, विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। तो यह गलत है, आहत सिक्के जो थे टीन के नहीं बने होते थे, तांबे, सोने और चांदी के बने होते थे। तो ये जो है वह गलत हो गया। 2 देखिएगा, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। तो संगम काल की बात बताई जा रही है, तो संगम काल में सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था विनिमय के लिए। तो यह सही है, 2 जो है सही है, 1 जो है वो गलत है, 2 है सही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल दो जो है वो सही है, मतलब विकल्प बी जो है वो सही है। व्याख्या देखिएगा, सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलने में रहे और चांदी और सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। अतः केवल कथन जो 1 जो है वो गलत हो गया। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि इस समय वस्तु विनिमय भी चलन में था। संगम साहित्य में कविता से पता चलता है कि इसमें वस्तु विनिमय भी होता था, सिक्कों के द्वारा भी वस्तुएँ खरीदी जा सकती थी और वस्तुओं के द्वारा भी क्रय विक्रय किया जाता था। प्रश्न 7 देखिएगा, मथुरा 2500 साल से अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। तो 2500 साल से अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, यह बात सही है। मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था, यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। तो यह भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब विकल्प ए जो है वो सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, मथुरा 2500 साल से अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान, पशुपालक
पालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे, मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। मथुरा जो था गांधार कला की प्रसिद्ध था, यहाँ मूर्तियां भी बनती थी भगवान बुद्ध की, और 2500 साल से अधिक समय से यह एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा। और मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। ये सभी तथ्य अच्छे से देख लेना चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? कुषाणों की दो राजधानियां थीं, एक था पेशावर, एक था मथुरा। एक था पुरुषपुर जिसका बाद में नाम पेशावर पड़ गया, और एक था मथुरा। तो निम्नलिखित में से कुषाणों की राजधानी कौन रही है? तो चार ऑप्शन हैं, तो इसमें जो मथुरा है वह कुषाणों की राजधानी रही है, मतलब विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो देखिए, मथुरा जो है 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। पहली राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी, जिसका नाम बाद में पेशावर पड़ा, इसमें वो पाकिस्तान में है। और दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, और यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी रहे हैं। मथुरा जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का एक महानतम केंद्र है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। प्रश्न 9 देखिएगा, प्राचीन नगरी शिल्प और कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। देखिए, पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भाग से प्राप्त हुए हैं। यह गलत है। यह जो बर्तन प्राप्त हुए हैं यह उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से प्राप्त हुए हैं, जबकि पूर्वोत्तर भाग से नहीं, पूर्वोत्तर भाग से भी मिले हैं लेकिन यह उत्तरी भाग से मिले हैं, उत्तरी भाग से। इसलिए कथन जो ए है वो गलत है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे, इसलिए केवल दो जो है वो सही है। दो, केवल दो, मतलब विकल्प बी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। नगरी पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये प्रायः काले रंग के होते थे और इनमें खास चमक होती थी। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे, यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। प्रश्न 10 देखिएगा, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों एवं व्यापारियों का एक संघ होता था। श्रेणी जो होता था संयुक्त रूप से शिल्पकारों एवं व्यापारियों का एक संघ होता था। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि श्रेणी जो होती थी संयुक्त रूप से नहीं होती थी बल्कि अलग अलग होती थी। शिल्पकारों का अलग संगठन था, व्यापारियों का अलग संगठन था, और इस संगठन को श्रेणी कहा जाता था। ये संयुक्त रूप से नहीं होता था। तो जो ए है वन जो एक है वह तो गलत है। दो देखिएगा, ये श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी जहाँ लोग पैसे जमा करते थे। तो यह सही है, दो जो है वो सही है, केवल दो, मतलब विकल्प बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग होते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता था, कच्चा माल उपलब्ध कराना होता था, तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार संचालन करती थीं। देखिए, जो शिल्पकार होते थे वह सिर्फ कच्चा माल लाते थे, कच्चा माल को तैयार करते थे, फिर व्यापारियों तक पहुँचाते थे, और व्यापारियों का कार्य क्या होता था? व्यापार संचालन करना था, उसका विक्रय करना होता था। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थीं जहाँ लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था तथा या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। प्रश्न 11 देखिएगा, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी में, कर्नाटक में। तो देखिए, अरिकामेडु नाम का जो प्राचीन पत्तन है, यह पुदुचेरी में स्थित है, पुदुचेरी में। इसकी व्याख्या देखिएगा, अरिकामेडु पुदुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ ईंटों से बने एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। यहाँ भूमध्य सागरी क्षेत्र के एफोरा जैसा पात्र मिला है। देखिए, अरिकामेडु में क्या मिला है? अरिकामेडु में कुछ सिक्के भी मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि रोम से उसका भारत का व्यापार होता था, और अरिकामेडु से एक
पात्र मिला है, मतलब बर्तन मिला है, जिसे एफोरा कहते हैं। अब ये एफोरा क्या है? इनमें शराब या तेल जैसे तरल रखे जा सकते थे। उनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी होता था। तो एक एफोरा नामक एक बर्तन मिला है जिसमें शराब या तेल रखा जाता था और दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था होता था, इसे एफोरा कहते हैं। देखिए यहाँ एरेटाइन, यहाँ एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक बर्तन प्राप्त हुआ है जिसे एरेटाइन कहा जाता है। अब एरेटाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से ही जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचों पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। यह एरेटाइन नामक बर्तन प्राप्त हुआ है और एफोरा प्राप्त हुआ है। और कुछ सिक्के भी मिले हैं, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। डिजाइन रोम का था लेकिन उसको यहाँ बनाया जाता था। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, मतलब तालाब छोटा छोटा, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे व अर्ध बहुमूल्य पत्थर से बने यहाँ पर शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो यह सब मिला हुआ है यहाँ से। प्रश्न 12 देखिएगा। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी, यूनानी, संस्कृत या मलयालम? तो देखिए तमिल भाषा के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी का। ब्राह्मी का प्रयोग किया गया, मतलब विकल्प ए जो है वो सही है। इसकी व्याख्या देखिए। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। प्रश्न 13। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? जैन अनुयायियों द्वारा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा या दरबारी कवियों द्वारा? तो देखिए जातक कथाओं का जो संकलन किया गया है, ये बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया है, मतलब विकल्प बी जो है वो सही है। अब ये जातक कथा क्या है? तो देखिए भगवान बुद्ध की जो पिछले जन्म की कथाएं हैं वह जातक कथाएं कहलाती हैं। इसका संकलन बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया है, मतलब विकल्प बी जो है वो सही है। जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा। जो भी शेयर करने का माध्यम है उस पर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को।